गुजरात के बड़ौदा शहर से एक बड़ा मामला सामने आया है। ये मामला जो बच्चे स्कूल वैन में स्कूल जाते हैं उन माता पिता के लिए आंख खोलने वाला मामला है। बड़ौदा में एक स्कूल वैन ड्राइवर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई गई है। करीबन 3.5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ौदा शहर के JP पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने स्कूल वैन के ड्राइवर सिद्दीकी राठौड़ को गिरफ्तार किया है और जो माता पिता अपने बच्चों को वैन में भेजते हैं उनके लिए ये आंख खोल देने वाला मामला है। छुट्टी के दिन छात्रा ने जब अपनी मां को इस पूरी घटना के बारे में बताया तब ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शारीरिक छेड़छाड़ उनकी बच्ची के साथ की गई है जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब स्कूल में आने जाने वाले जो ड्राइवर है वो वैन चालकों का मानसिक परीक्षण भी करवाना जरूरी बन गया है। ये जो मामला सामने आया है इसको देखते हुए हालांकि फिलहाल ड्राइवर सिद्दीकी राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्यवाही इस बारे में शुरू की है और जो सिद्दीकी राठौड़ है उसकी विकृति सामने आने के बाद पुलिस विभाग की ओर से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।